राजधानी शिमला सहित अब धर्मशाला और मंडी में भी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हो सकेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए इन स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाने को मंजूरी दे दी है। कठिन भौगोलिक स्थिति और दूरियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि इस परीक्षा के लिए पहले उम्मीदवारों को शिमला जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में परीक्षा केंद्र के लिए जो स्थल चयनित किए गए हैं उनकी सूची भेज दी गई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ही जो सेंटर बनता था यूपीएससी का, वो शिमला के अंदर बनता था। और क्योंकि धर्मशाला से जो शिमला की दूरी है वो लगभग 6 घंटे की है, और बाकी और भी इलाके हैं जैसे कांगड़ा के अंदर जहाँ से बच्चों को कठिनाई होती थी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, और सिमिलरली मंडी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से भी लोगों को कठिनाई होती थी, बच्चों को कठिनाई होती थी। तो प्रदेश सरकार ने इस बार जो ये मुद्दा यूपीएससी के साथ उठाया था, और यूपीएससी ने इस बार धर्मशाला और मंडी दोनों में एक जो सेंटर है वो खोलने का जो निर्णय लिया है। तो इस बार जो हमारा 5 जून को सिविल सर्विसेज का प्री का एग्जामिनेशन है, वो धर्मशाला भी उसके अंदर सेंटर बनेगा, और उसके लिए जो विस्तृत रिपोर्ट है और जो विस्तृत प्रपोजल है वो ऑलरेडी हमने यूपीएससी को भेज दी है। उपायुक्त ने कहा कि धर्मशाला में सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5,000 उम्मीदवारों को परीक्षा देने की सुविधा का प्रावधान है।